Oh,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna. सभी लोगों को गौर जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई. बोल सचिन गौर हरि की मैया की तीसरे जीव की. इस प्रकार आप सब लोगों को पता है ये साल 2022 श्रीमती धाम परिक्रमा के लिए जो हमारे जो सबसे सीनियर हैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री परिव्राजक महाराज जी, पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी, भक्ति वेदांत श्री भंत महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी और भक्ति वेदांत श्री झांसी महाराज जी एवं अन्य अन्य जो श्रीधंडी बात कर रहे हैं, इन सबके नेतृत्व में इन सबके कृपा आशीर्वाद से ये 2022 के गौर जन्म महोत्सव कार्यक्रम जो है परिक्रमा से लेकर के सब कुछ जो है बहुत ही सुचारू रूप से और श्री गुरु महाराज जी और वैष्णवों की कृपा के बाद से नित्यानंद प्रभु की कृपा से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ. कार्यक्रम ये संपन्न नहीं हो सकता था. सब जगह महाराज जी लोग सब कार्यक्रमों को नेतृत्व किया और पूरा दिन क्लांत रहे, रात को सोने का नहीं, लोग छोड़ते नहीं, फिर भी 2 घंटा 2.5 घंटा सोते हुए सब लोगों को दर्शन दिया, कथा सुनाई, जगह जगह जाकर के कथा का परिवेशन किया. ये इन सब महापुरुषों की महती कृपा है, करुणा है. सब लोग जोर से जो हमारे गुरुजन जो है श्रेष्ठ लोग जो है सबके लिए जोर से ताली बजाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रही, फिर भी समय दिया, कभी भी ये नहीं कहा कि चले जाओ या सोने का समय है या टाइम नहीं. पूरा दिन सभी लोगों ने और पूरा दिन पैदल चलते हुए भी धूप में सर्दी में कथा कीर्तन दोनों बार कमरे में भी यहाँ भी सब जगह सभी लोगों ने परिवेशन किया. यही नवदीप धाम महा परिक्रमा की बड़ी विशेषता है. इसके बाद विशेष करके ये साल जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण कोई परिक्रमा में शामिल नहीं हो पाए थे, तो सबके मन में बड़ा ही उत्कंठा रही थी कि ये नवदीप धाम की परिक्रमा में शामिल हो. तो ये साल बड़ा ही रिकॉर्ड तो लगभग बंगाली ही लगभग 10,000 के आसपास है और बाकी सब लोगों को मिला के 10-12 हजार 15 हजार के हो गए. हाँ, तो नवदीप धाम में बाहर ये घोषणा हो गया है कि लाखों लोग हैं यहाँ, लाखों लोग नवदीप धाम में शामिल हुए हैं. किंतु आप लोग क्या सोच सकते हैं, इतने लोगों के लिए प्रसाद बनाना कोई मजाक है? पीछे जाकर के देखा है कितने बड़े बड़े चूल्हे हैं, कितने बड़े बड़े जो है कढ़ाई है, सब कुछ है. इन सब प्रसाद बनाने का दायित्व जो है ये हमारे प्रद्युम्न बाबा जी महाराज जी नहीं होते, ये भी 2 घंटा ही सोते हैं, रात को 2 बजे से लगे होते हैं और लगभग 150 जो लेबर लोग हैं सबके साथ लेकर के बनाना, परिवेशन करना, पत्तन साफ करना, सब्जियां काटना, इतना बड़ा कार्यक्रम है. घर में हम 10 लोग ज्यादा यदि हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं और यहाँ देखो मतलब 15,000 20,000 लाखों लोगों के लिए प्रसाद, वो भी 3-3 टाइम बनाना जोरदार प्रद्युम्न बाबा जी महाराज जी के प्रद्युम्न बाबा जी महाराज जी के साथ में हमारे जी मदन प्रभु जी है. मदन प्रभु जी ने भी बड़े सहायता की है. विपिन प्रभु जी ने भी प्रतिदिन जो है जो विभिन्न स्थानों पर प्रसाद जहाँ पहुंचनी है वहाँ गाड़ी में भर के लोड कर
में लेके फिर पहुंचा देते हैं। मदन प्रभु विभिन्न प्रभु को भी जोरदार से प्रतिक्रिया में बजाइएगा, विशेष करके वहां के जो स्टोर रूम से लेकर के सब्जियां लाना, खरीदारी और सब प्रकार का लेन देन का जो जिम्मेदारी है जम्मू से राजेश प्रभु जी का है। राजेश प्रभु बड़े ही सुचारू रूप से, सुंदर रूप से जो है ये सब सेवा दायित्व तो संपूर्ण रूप से निभाया। राजेश प्रभु के लिए भी जोरदार से तालियां हो जाए। पूरे अच्छा स्टोर रूम के लिए भी श्री दामोदर महाराज जी, साथ में पड़ोस से श्री नवीन प्रभु जी है, स्टोर रूम के क्या 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 सामान पहुंचा, क्या क्या ले गए, सबका जो हिसाब किताब जो है ये दोनों ने संभाला है। इसके बाद पूरे मंदिर के कार्यक्रम से लेकर के यात्रियों की जिम्मेदारी और यात्रियों से संपर्क सूत्र से लेकर के जिज्ञासा और कोई सी भी समस्या हो सब चीजों के लिए श्री मधुसूदन प्रभु जी ने अक्लांत रूप से सेवा किया। वो मैंने कई बार देखा वहां मेन ऑफिस में बैठे बैठे ही सो जाते थे, कमरे में जाते ही नहीं, मेन ऑफिस में बैठे बैठे सो गए, क्योंकि टाइमिंग नहीं है। कोई यात्री 2 बजे पहुंच रहा है, कोई 4 बजे पहुंच रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं पहुंच रही है। तो मधुसूदन प्रभु जी ने बड़े ही अक्लांत रूप से सेवा किया। जोरदार मधुसूदन प्रभु जी की तालियां हो। इसके बाद श्री मंदिर की सेवा के लिए श्री दयानिधि प्रभु जी ने पूरा दिन, समझो इनका पूरा टीम है, यहाँ ठाकुर जी के नीचे समाधि मंदिर के पीछे श्री चित्रमला जी समाधि के लिए पूरा दिन पूरी रात इनको मतलब 4 तारीख से लेकर के फिर रात तक सब जगह की जिम्मेदारी और सब प्रकार की जिम्मेदारी श्री दयानिधि प्रभु और श्री दयानिधि प्रभु जी के साथ जो उनके टीम में है सुमित प्रभु, सुंदर गोपाल और दूसरे दूसरे जो बच्चे लोग हैं, श्री दयानिधि प्रभु जी के लिए जोरदार से तालियां हो। इतने सुंदर रूप से ठाकुर जी के श्रृंगार के समय समय पर और तो विशेष करके इन सारे लोगों ने मिल करके जो है श्री मंदिर की सब प्रकार की सेवा की है। पालकी की प्रतिदिन परिक्रमा के समय जो पालकी की जो सेवा है श्री विजय कृष्ण प्रभु जी को जोरदार से ताली हो। प्रतिदिन पटन चल के लेके आना, सजाना, फिर बाकी सेवाओं में भी लगे रहना, तो तकते ही नहीं थे विजय कृष्ण प्रभु, साथ में श्यामहरि प्रभु जी भी थे। तो विजय कृष्ण प्रभु और साथ में श्यामहरि प्रभु के लिए भी जोरदार से तालियां हो कि पालकी की सेवा बड़े दायित्व पूर्ण नीति से इन दोनों ने निभाया। पूरी पूरे रास्ते में आप लोग जानते हैं कितना मुश्किल है, धूप है, गर्मी है और कंकड़ की रास्ता है, और हाँ पूरी रास्ता में कई सारे सेवकों ने पालकी को ढोकर के बिना छोड़े वापस ले आके, जिसमें श्री कुंज व्यास प्रभु जी का नाम है और श्री प्रदीप कंडेलवाल प्रभु जी का नाम है, श्री रोहिनंदन का नाम है और मुझे मेरी भूख का तो नाम लिया मैंने, तो जोरदार से ताल तो कई सारे संक्षेप में नाम ले रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो हाँ इतने सारे लोगों ने मिलकर के बड़े ही विशेष रूप से पालकी की सेवा की और हाँ इन तारीख को जो है पूरी साल ये तैयारी में रहते हैं। मुझे भाई को देखता हूँ पूरे साल लगे पाँव में चलते हैं ताकि नवदीप गांव में पालकी सेवा कर सके। बोलो इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो, क्योंकि ये लोग नहीं होते पालकी और महाप्रभु जाते और वापस लौट के नहीं आते, इसलिए इनकी बड़ी विशेष सेवा है। और पालकी सेवा संबंधित जो सेवाएं हैं ठाकुर जी की श्री राजरेखा दीदी और दिल्ली के हरे कृष्ण प्रभु जी, इन सब लोगों ने श्रृंगार आदि सेवा के लिए योगदान दिया, इन दोनों के लिए भी बड़े जोरदार से तालियां हो। विशेष करके जो नॉर्थ इंडियन और विदेशियों के लिए एक स्पेशल प्रशासन सेक्शन फिर बनाया गया, तो वहां पर के लिए सुंदर गोपाल प्रभु जी जयपुर वाले, श्री राधा रमन प्रभु, साथ में जो है दिल्ली के विवेक
और कि दामोदर प्रभु जी जो है परिवेशन में और विपिन आदि महिलाएं पहली बार है कि सारी महिलाएं परिक्रमाएंगी, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचे करके सत्या भी काटी पूरी बनाई सबके लिए, पूरी रोटियां बना रही है और नियमित रूप से सबके लिए परिवेशन भी किया और श्री विवेक प्रभु ने बहुत उत्तम तरीके से सेवाएं की टिकट इत्यादि और संभाला भी और पुत्र गोपाल प्रभु और श्री राधारमन प्रभु जी ने सुंदर रूप से सात आठ दिनों के लिए सुंदर प्रसाद सबके लिए प्रदान किया। सब इन पूरे टीम के जोरदार से तालियां हो, विशेष रूप से इन सब लोगों ने योगदान दिया। अच्छा, मुख्य चीज तो मैं छोड़ दिया, सामने जो बैठे हैं बच्चे लोग हैं देखो, ये छुट्टी सर्वेश्वर हाँ श्री श्याम बिहारी प्रभु जी, उत्तम कृष्ण प्रभु जी आगे पीछे है, कई जो इनका पूरा टीम है, आप लोगों ने पूरे रास्ता जो कीर्तन सुने हैं इन्हीं बच्चों के द्वारा इस बार बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक शुरू से लेके लास्ट तक इन लोगों ने संभाला है। नीचे कीर्तन की पूरी परिक्रमा रास्ता में जो कीर्तन है कितने की सब जगह जो है इन सब लोगों ने संभाला है, तो ये कीर्तन वाले नहीं होते परिक्रमा इतना सुगम और सहज नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए इन बच्चों के लिए और श्रीमती प्रभु और ये उत्तम कृष्ण प्रभु जी के लिए जोरदार से हाँ पुत्र गोपाल प्रभु जी आदि केशव निताय सर्वेश्वर तो सब लोगों के लिए जो है ये सब लोगों की जोरदार तालियां हो। लेडीज वालों ने भी लेडीज ग्रुप के भी विदेशी भक्त हैं से हैं दो तीन लोग यशोधरा दीदी के साथ साथ दो तीन लोग हैं, ये लोगों ने भी लेडीज वाला कीर्तन पूरी रास्ते में संभाला है। तो हाँ ये हरिदेव भी ये लगता ही नहीं है पूरा दिन जहाँ देखो सब सेवाओं में देखा जाता, इसलिए इन सब बच्चों के जोरदार तालियों और कीर्तन के बिना हमारा ये परिक्रमा संपूर्ण हो ही नहीं सकता, ठीक है। विशेष करके ये साल बंगाल प्रचार से बहुत सारे लोगों ने चावल और चीजों का दान दिया है बहुत सारे स्थानों से, और महाराज जी लोगों ने भी लेकर के भिक्षा लेकर के आए हैं, श्री ऋषिकेश महाराज जी, श्री भारती महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री वैष्णव महाराज जी, श्री भारती महाराज जी, पहुंचे हैं और सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया, पैसे से, चावल से, सब्जी से, विभिन्न प्रकार से, दक्षिणा से सब लोगों ने योगदान दिया। और लास्ट में जो विशेष रूप से जो डोनेशन दिए हैं परिक्रमा के जो फीस को छोड़ करके परिक्रमा के लिए विशेष जो डोनेशन दिए हैं ये ह्यूस्टन से सचिन और दिल्ली से मानवी दीदी, बसंत कुंज से सुरेंद्र मानोक और साउथ दिल्ली से श्री बेरी जी और उनकी पत्नी और ये कलकत्ता से संजय अग्रवाल उनकी बहन कृष्णप्रिया दीदी, दिल्ली से हेमा दीदी और लास्ट में जितनी सब्जियां भक्तों ने लगभग 7 दिन तक पाई है ये सब्जियों का विशेष योगदान जो है चाइनीज डिवोटीज के द्वारा किया गया, जिसे मालती दीदी और संजय प्रभु जी ने मिलकर के 7 दिनों की सेवा इतने लोगों की सब्जी का योगदान दिया, जोरदार से तालियां मालती दीदी और संजय प्रभु जी के लिए। ये संक्षेप में लिस्ट है, अच्छा कोई राजन है तो राजन ने भी डोनेशन दिया है, तो मैं लास्ट में ये कहूंगा किसी का नाम यदि छूट गया तो बुरा नहीं मानना है, ये तो एक दिग्दर्शन है कि ये मुख्य लोगों ने किया, इसमें बाकी सब लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिनका नाम नहीं लिया उन सबके लिए भी तालियां बजाओ।
हरे कृष्णा। यहाँ पर कलकत्ता से हमारे मधुसूदन प्रभु जी कह रहे हैं कलकत्ता से स्पेशल चोर यहाँ पर पकड़ने वाले मान के आते हैं, इसलिए इसे जो यहाँ पर जो भक्त लोग हैं अपना पर्स मोबाइल इसको ठीक सावधान रखना, हर बार ये बहुत चोरी होती है। कृपा करो हरे लोग